नमस्कार, मैं हूं मनीषा तिवारी। आप देख रहे हैं चैनल्स बात कुछ आज के दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूएई और कुवैत की यात्रा पर लगा ओमिक्रोन का ग्रहण, जनवरी में होने वाला दौरा किया गया स्थगित। कोरोना की तीसरी लहर से पहले तैयार हुए 3 नए हथियार, 2 नई वैक्सीन और 1 एंटी वायरल दवा को मिली मंजूरी। गुजरात के सूरत में 5 साल की बच्ची से रेप के बाद हत्या मामले में दोषी को मिली उम्र कैद की सजा। सुनते ही अपराधी ने जज पर फेंकी चप्पल। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की गुंडई पर भड़की बीजेपी। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कानपुर में हुई रैली में दंगा भड़काने की रची गई थी साजिश। कोलकाता में टैक्स बकाए पर हुई बड़ी कार्रवाई। 3 करोड़ का बकाया टैक्स भुगतान नहीं करने पर सील हुआ होटल पर 2005 से 3,02,46,294 रुपए का बकाया है। बिहार के नवादा में वोट नहीं देने पर मुखिया के देवर ने वोटर का काटा कान। मजदूरी करके घर लौट रहा था पीड़ित। ओमिक्रोन के मामले तेजी से बढ़ रहे इस बीच महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि हमें कोविड-19 टीकाकरण पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हम स्कूलों में 15 से 18 साल के बच्चों को टीके लगवाने की योजना बना रहे हैं। महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की नेता और सांसद सुप्रिया सुले और उनके पति कोविड-19 से पाए गए संक्रमित, संपर्क में आए सभी लोगों से की जांच कराने की अपील। मुंबई के संरक्षक मंत्री आदित्य ठाकरे ने ओमिक्रोन और कोरोना के बढ़ते हुए केस से विस्फोटक होती हुई मुंबई की स्थिति पर आज जताई चिंता। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि इससे निपटने के लिए कौन से नए नियमों और प्रतिबंधों को लागू किया जाना है, पार्टियों पर किस तरह से बंदी है, इमारतें कब सील की जाएगी, स्कूल कॉलेजों पर क्या फैसले लिए जाएंगे, इन सब बातों पर सरकार की आगे की योजनाओं का खुलासा किया। महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष के चुनाव को लेकर सीएम उद्धव ठाकरे को लिखे अपने पत्र में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने तीखे शब्दों से अपनी प्रतिक्रिया की व्यक्त। पत्र में उन्होंने लिखा कि आपकी धमकियों भरी भाषा से मैं दुखी और निराश हुआ हूँ। आज के दिन भर की 10 बड़ी खबरें। इस तरह खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहे चैनल के साथ।